देसी ट्रिक ही धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली गाइस आज जो हम बात करने वाले हैं, आप सबको मालूम है कि आइडिया और वोडा फाइनली अटैच हो चुका है, यानी इससे पहले आइडिया नेटवर्क अलग था और वोडा का नेटवर्क अलग था, लेकिन फिलहाल में ही जो कि लोन के वजह से दोनों एक हो चुके हैं। तो अभी गाइस आप सबका जो आइडिया और वोडा का एप्लीकेशन भी आपको एक ही मिलेगा, यानी आपको इससे पहले हम सब आइडिया का अलग एप्लीकेशन यूज करते थे और वोडा का अलग एप्लीकेशन यूज करते थे। तो फाइनली गाइस अभी आइडिया वोडा मिलकर एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है प्ले स्टोर पे, जिसको आप सब यूज कर पाएंगे और उसी से आप सब रिचार्ज जो भी करना रहेगा आप सब उसी एप्लीकेशन से कर पाएंगे। तो क्या क्या करना पड़ता है पूरा प्रोसेस बताऊंगा अपने इस वीडियो में। उससे पहले का आप सब चैनल पर नए आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब पहले ऐसे बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गाइस जाते जाते जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप पे ही लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है, जरूर वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। जरूर गाइस चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं ये कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है आइडिया वोडा मिलकर। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, पहुँच चुका हूँ गूगल प्ले स्टोर में। गाइस आपको इधर आना है, जब आपको आइडिया वोडा का ऑफिशियल एप्लीकेशन चाहिए तो इसके लिए आपको भी और आई आपको इधर सर्च कर देना है, उसके बाद फाइनली आप सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली भी आई करके मैं सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, उसके बाद आप देख लीजिए ऊपर में आपको एप्लीकेशन का नाम भी मिल जाएगा भी आई ऐप। तो गाइस यही एप्लीकेशन आपको दोनों ही एप्लीकेशन जैसे कि दोनों भी सिम का आप सब काम इसी से कर सकते हैं, जैसे बिल पेमेंट का हो या मोबाइल रिचार्ज का हो, हर तरह का बेनिफिट आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। चलो फिर हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद किस तरीके से इसको हम लोग चालू कर पाएंगे पूरा प्रोसेस बताता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया हूं, तो गाइस कुछ टाइम हमको लगेगा इसको इंस्टॉल होने में यानी डाउनलोड भी होने में, तो चलो वेट कर लेते जब तक ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल और डाउनलोड होता है तब तक। सो गाइस फाइनली तरीके से मेरा जो वी आई एप्लीकेशन है उसको तो मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, इंस्टॉल भी कर लिया हूँ, उसका फाइनली चलो मैं ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस फाइनली मैं ओपन वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर दिया हूँ। गाइस जैसे आप ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका सामने पूरा जो वी आई का जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखा देता है वी आई का। उसके बाद गाइस सबसे पहले आपको इंटर योर मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन आ चुका है, यानी जो मोबाइल से आपको ये एप्लीकेशन को चालू करना है आइडिया हो या वोडा हो सिम, वो नंबर इधर आओ इधर फिल कर दीजिए। तो चलो फिर मैं अपना एक मोबाइल नंबर इधर फिल करता हूँ, अभी मैं आइडिया का मोबाइल नंबर इधर फिल करने वाला हूँ। तो चलो फिर मैं अपना एक मोबाइल नंबर इधर फिल कर देते हैं। सो गाइस फाइनली मैं एक मोबाइल नंबर आइडिया का फिल कर दिया हूँ, उसके बाद फाइनली मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक किया, उसके बाद गाइस आपको फाइनली जो मोबाइल नंबर इधर आप फिल किए हैं उसी मोबाइल नंबर पे एक आपको 4 digit का ओटीपी आएगा, ये ओटीपी इधर आपको फिल करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इधर बोल रहा है कि आपको योर मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर ईमेल आईडी पे भी एक आपको सेंड किया गया है ओटीपी, लेकिन गाइस फाइनली आप देखिए हमको एक ओटीपी इधर आ चुका है मोबाइल पे ही। उसके बाद फाइनली आप देखिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी वोडा एंड आइडिया आर नाउ वी आई, यानी दोनों आपको अटैच कर दिया गया, इसके आगे दिया गया नाउ वी आई। तो चलो फाइनली मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देख लीजिए फिर से आपको दिखाया जा रहा है कि आपका सिम कार्ड और नंबर आप हर तरह का बेनिफिट आपको इस पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आपको मिल रहा है जेट स्टार्टेड का, तो फाइनली आप स्टार्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली स्टार्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस फाइनली मैं स्टार्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करिया, उसके बाद गाइस आप ऊपर में देख लीजिए आपका तो मोबाइल नंबर पहले शो हो चुका है और आपका नाम क्या है ऑटोमेटिक उसमें नाम आपका शो हो जाएगा, यानी आपको किसके नाम से आपका सिम चल रहा है उसका नाम ऑटोमेटिक इधर आ गया है। चलो आगे फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट में क्या है, चलो ये सब हम कुछ नहीं दिखाया है। चलो फाइनली आपको ये देखते हैं गाइस, इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा माई अकाउंट का रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाएगा और हाथ में मेन्यू का भी ऑप्शन मिल जाएगा। चलो फाइनली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो गाइस आपको इस एप्लीकेशन में आपको जो अभी फैसिलिटी मिलने वाला है तो वो आपको मिल जाएगा, पहले तो रिचार्ज का ऑप्शन, चाहे रिचार्ज फॉर अदर यानी अदर को भी आप इधर से रिचार्ज कर सकते हैं, पे बिल कर सकते हैं अदर का और वी आई मूवी एंड टी वी इधर से देख सकते हैं, और हेल्प एंड सपोर्ट का भी ऑप्शन आपको इधर दिया गया है। साथ में आप मेन्यू पर जब क्लिक करेंगे तो मेन्यू पर आपको जब क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए इधर रिचार्ज फॉर अदर यानी अदर सिम का रिचार्ज कर सकते हैं, पे बिल वही है, रेफरल है इधर दिया गया है। साथ में आपको रोमिंग में अगर आपका सिम गया है तो उसको भी इधर देख सकते हैं, और साथ में आपको सिम ऑफ होम डिलीवरी का भी ऑप्शन दिया गया है कॉन्टैक्ट का, और नीचे में एक ऑल लॉग आउट का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसमें से लॉग आउट होना चाहते हैं तो लॉग आउट पर भी क्लिक कर सकते। चलो अभी मैं सेम होम वाला ऑप्शन पर चॉइस करता हूँ। उसके बाद आपको कौन सा सिम चाहिए इधर से वो आपको इधर से चॉइस करना पड़ता है, जैसे कि आपका पोस्टपेड सिम चाहिए या बाय प्रीपेड सिम चाहिए, तो आपको इस अनुसार से इसमें से दिया गया ऑप्शन, तो आपको जो भी चाहिए इधर से आप सब चॉइस कर सकते हैं। तो ये भी इसमें फैसिलिटी इंक्लूड करके दिया गया है।
तो गाइज काफ़ी अच्छा खासा इंक्लूड किया गया है, जो कि इससे पहले जो हम सब आइडिया का पर्सनली का एप्लीकेशन था वो हम सब यूज़ करते थे, लेकिन अब फाइनली अभी अगर आप ये एप्लीकेशन यूज करेंगे तो इस पर भी आप सबको ढेर सारा बेनिफिट मिल ही जाता है, क्योंकि आपको हर तरह का इसमें दिखाया जा रहा है। एक्टिवेट पैकेज द रिचार्ज हिस्ट्री है, यानी इससे पहले आप कितना हिस्ट्री यानी रिचार्ज कितना किया उसका हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हैं तो ये भी आप सब इस एप्लीकेशन में देख सकते हैं। जैसे चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ रिचार्ज वाले ऑप्शन पर, तो पूरा हिस्ट्री है ना आप क्या क्या किए थे और कितना कितना रिचार्ज किए थे, ये सब आपको हिस्ट्री पूरा जानना है इस एप्लीकेशन का, तो आप सब इसमें हिस्ट्री पे चेक करके चेक कर सकते हैं। एक्टिवेट पैक कौन सा है यानी फिलहाल में आप कौन सा रिचार्ज किए हैं और कौन सा सिम से अभी आप कितना रिचार्ज पर ये सिम चल रहा है वो आपको फैसिलिटी बता, जैसे आइडिया का सिम हो या वोडा का सिम हो दोनों का हिस्ट्री आपको इधर बता दिया जाएगा। चलो थोड़ा नेट का शायद लगता है इशू है, इसके लिए हमको थोड़ा टाइम ले रहा है, तो चलो फाइनली इसको एस्केप कर देता हूँ, क्योंकि आप सबको मालूम रहेगा कि जितना का आप रिचार्ज किए रहेंगे वो इधर से एक्टिवेट आपको हो जाएगा और आपको दिखाया जाएगा कि ये इतना का आप रिचार्ज किए हैं और ये फैसिलिटी अभी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आपका हर तरह का बेनिफिट आपको इसमें मिले, सर्विस रिक्वेस्ट कुछ और आपको चाहिए तो इधर से आप सर्विस रिक्वेस्ट भी इधर से कर सकते हैं, यानी हर तरह का बेनिफिट आपको एक ही में मिल जाता है। तो गाइज आप सब अगर ये एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, अगर आपके पास आइडिया का सिम हो या वोडा का सिम हो तो आप सब ये एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, क्योंकि आप सबको इसी से आप सब रिचार्ज भी कर पाएंगे। रिचार्ज करने के लिए चलो फाइनली मैं एक ऑप्शन चॉइस करता हूँ रिचार्ज वाला, तो गाइज फाइनली मैं रिचार्ज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद गाइज इधर आपको जो भी मोबाइल नंबर पर आपको रिचार्ज करना है वो मोबाइल नंबर आप फिल कर दीजिए। तो चलो फाइनली अपना एक मोबाइल नंबर फिल करता हूँ जो कि अभी हमको आपको रिचार्ज करके दिखलाना है। उसके बाद फाइनली मैं सर्च पाइक अमाउंट पे आपको क्लिक कर देना है कितना का अमाउंट आपको चाहिए। रिपीट लास्ट यानी हमको जिससे पहले मैं जो रिचार्ज किया था वो वाला हमको इधर अमाउंट आपको दिखा रहा है कि मैं 379 का इससे पहले वाला रिचार्ज किया था जो कि 84 दिन के लिए था। आपको अभी यही करना था, रिपीट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं तो इसमें से आप च्वाइज करके दूसरा भी रिचार्ज कर सकते हैं। चलो फाइनली जैसे कि 299 वाला लेता हूँ मतलब, बट हमको रिचार्ज करना नहीं है बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ कैसे हम लोग रिचार्ज कर पाएंगे। तो फाइनली मैं 299 वाला ऑप्शन च्वाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर से आप देखिए कुछ आपका रिफ्रेश हो रहा है, तो चलो रिफ्रेश होने देते हैं। उसके बाद गाइस आपको इधर तो ढेर सारा एप्लीकेशन आपको मिल जाता है, जैसे कि आप अपना पेटीएम को इधर से लिंक भी कर पाएंगे पेटीएम वॉलेट को अपने ये वीआई एप्लीकेशन से, साथ में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है गाइज अगर आपके पास तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी इधर से आप रिचार्ज कर पाएंगे, और साथ में इधर से अगर आपके पास गूगल पे हो या फोन पे हो या एयरटेल हो या अमेजन वॉलेट है तो भी आप सब इधर से लिंक करके और पेमेंट कर सकते हैं, यानी आपको पूरा का पूरा इधर से लिंक हो जाता है। साथ में अगर आपके पास पे लेटर एप्लीकेशन है तो आप पे लेटर एप्लीकेशन से भी रिचार्ज कर सकते हैं, यानी आपको पे लेटर एप्लीकेशन से अगर आप अभी रिचार्ज करेंगे तो आपको नेक्स्ट मंथ जाकर आपको बिल पेमेंट करना पड़ता है, तो आप सब ये भी इधर से यूज कर सकते हैं। साथ में नेट बैंकिंग का भी सुविधा दिया गया है, अगर आप नेट बैंकिंग से भी अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो इधर नेट बैंकिंग से भी आप अटैच करके रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप सबको बेनिफिट जो मिलेगा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर मिल ही जाएगा। अदरवाइज आपके पास कोई भी फुल केवाईसी पेटीएम को वॉलेट या मिनी केवाईसी पेटीएम को वॉलेट है तो आपसे इधर से लिंक पे क्लिक कर दीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं लिंक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इधर आपको एक मोबाइल नंबर जो वॉलेट को आपको लिंक करना है आपको वीआई वॉलेट से तो उसको आप देख लीजिए, लिंक वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप फाइनली सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो चलो फाइनली सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं, तो जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर जो अपडेट है पेटीएम वॉलेट से वही पे एक ओटीपी आपको आ जाएगा। ये ओटीपी इधर आपको फिल करना पड़ता है, जब तक आप ओटीपी को फिल नहीं करेंगे तब तक आपको जो वॉलेट है ये लिंक नहीं होने वाला है आपका वीआई वॉलेट से। तो चलो हम वेट कर लेते हैं जब तक हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है पेटीएम की तरफ से। सो गाइस फाइनली मेरा ओटीपी भी आ चुका है, तो चलो फाइनली हम ओटीपी इधर फिल कर देते हैं। उसके बाद आपको लिंक वॉलेट पे क्लिक कर देना है, तो चलो फाइनली लिंक वॉलेट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद गाइस कुछ आपको प्रोसेसिंग होगा तो प्रोसेसिंग आपको होने देना है। उसके बाद गाइस आपको फाइनली तरीके से आपका वॉलेट ऊपर में लिंक हो चुका है, इधर आपका बैलेंस दिख रहा है जो कि हमारे वॉलेट में 0-0 बैलेंस है। तो अभी आपको जब भी रिचार्ज करना रहेगा तो फाइनली आपको जो जितना अमाउंट रहेगा वो अमाउंट रहेगा आपका, उस पर आप फाइनली आप वॉलेट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप वॉलेट पर टिक लगाएंगे इधर से आपको प्रोसेस टू पे ऑप्शन पर आपको मिल जाएगा, प्रोसेस टू पे कर दीजिए, आपके वॉलेट में बैलेंस रहेगा जिससे रिचार्ज हो जाएगा। अदरवाइज आपको नहीं रहेगा तो आपको नेक्स्ट पेज पैसा दिए लेकर चला जाता है। तो चलो हम देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो फाइनली प्रोसेस टू पे तो गया, उसका प्रोसेसिंग भी हो रहा है। उसके बाद गया अगर आपको देख लीजिए मैं पहले बताया, अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट में बैलेंस नहीं रहेगा तो फाइनली आप इधर से भी अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से लिंक करके और रिचार्ज कर सकते हैं। इधर आपको ऑप्शन मिल गया है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का, तो आप दोनों में से जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपको अटैच करना है उससे आपको पेमेंट करना है, तो आप सब इस
इससे यूज करके और अपना पेमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइज काफ़ी अच्छा खासा अपडेट करके दिया गया है आइडिया वोडा की तरफ से, जो कि सिक्योर है और आप सब इस तरीके से अपना पेटीएम वॉलेट को लिंक करके भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।